वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई हमने करना है। यू की पावर 4 है, वी की पावर 2 है, वी स्क्वायर है डॉट 2, यू की पावर 4 है, वी की पावर -2 है और होल की पावर -4 है। क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास अंदर क्या आ जाना है, ये 2 तो एज इट यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्ट में। बेस सेम है यू यू, तो हम बेस को वन टाइम लिख लेते हैं। पावर ऐड हो जानी है 4 + 4। इसी तरह V हमारे पास है ना, बेस सेम है, V को वन टाइम लिखते हैं, पावर्स को ऐड करवा देते हैं 2 + -2, तो हम -2 को ब्रैकेट में कर देते हैं। समझ आ गया, पावर्स ऐड होती है ना, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस ही था, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस करवाना है हमने, लेकिन यहाँ पे -2 है तो उसको ब्रैकेट में कर देंगे। और हम अभी क्या कर रहे हैं, जस्ट अभी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, बाद में ब्रैकेट को की पावर को सॉल्व करते हैं। यू के ऊपर 4 + 4 है तो 8 आ जाना है, वी आ जाना है यहाँ पे 2 का 2 आ जाना है, प्लस माइनस -2 आ जाना है, और यहाँ पर हमारे पास -4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 2 स्टेप्स हो गए, थर्ड स्टेप में हमारे पास ये हो जाना है, वी का वी आ गया, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाना है और -4 आ गया। नेक्स्ट में ये हो जाना है 2, यू की पावर 8 है, वी के ऊपर 0 है। आपको पता है जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर जिसके भी ऊपर 0 होता है ना, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। समझ आए, 0 था ना, इसलिए 2u की पावर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑफकोर्स 2u की पावर 8 ही रह जाएगा हमारे पास, और -4 है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि -4 ने इधर भी अप्लाई होना है, इधर भी अप्लाई होना है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, 1 ऊपर आ जाएगा 2u की पावर 8, और यहाँ पर होल इसकी पावर -4 थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले गए, तो हमारे पास क्या आ जाना है, +4 आ जाना है इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से सॉल्व हो जाना है कि 1 का 1 आ जाना है, 2u की पावर 8 की होल पावर 4 है ना, इसका मतलब ये पावर इस पर भी अप्लाई होगी और ये इधर भी अप्लाई होगी, तो 2 के ऊपर भी 4 अप्लाई हो जानी है। पावर हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट में अप्लाई कर देते हैं, और इस 8 के साथ ये वाली पावर इधर भी अप्लाई हो जानी है। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप इधर कर रही हूँ, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम लिखो और उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 आ गया, और यहाँ पर u 8 4 टाइम 32 आ गया, तो हमारे पास 1/16 u की पावर 32 आ गया। इस तरह से दोबारा देख लें कि मैंने क्या बोला, ये बोला कि 2 का 2 एज इट आ गया, बेस सेम है, तो हम बेस को वन टाइम लिखते हैं, पावर्स को ऐड करा देते हैं 4 + 4। बेस सेम है, वी को वन टाइम लिखो, पावर्स को ऐड करा दो 2 प्लस, और यहाँ पे -2 है तो -2 को ब्रैकेट में कर दो, होल की पावर -4 है तो वो लिख दो, 2 का 2 आ जाएगा, यू का यू 4 4 8 हो जाएगा, वी 2 का 2 आ जाएगा, प्लस -2 आ जाएगा, होल की पावर -4 आ गया, 2u की पावर 8, वी 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, पावर -4 है, 2u की पावर 8 आ गया, डॉट मैंने लिखा, वी की पावर 0 है, जब भी किसी के ऊपर भी 0 होती है ना, वो 1 के इक्वल हो जाता है, पावर जब भी 0 होगी तो वो पूरा ही 1 के इक्वल हो जाता है, -4 आ गया, ये मैंने 2u की पावर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ऑफकोर्स 2u की पावर 8 आ जाएगा, -4 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाते हैं, और फिर इधर जाके पॉजिटिव पावर हो जानी है। फिर हमने क्या करना है, 1 2 ये वाली पावर 4 जो है इसके ऊपर भी अप्लाई हो जानी है, इसके ऊपर भी हो जानी है, तो इसके ऊपर अप्लाई होगी तो 2 की पावर 4 आ जाना है, और यहाँ पर यू के ऊपर 8 की पावर 4 अप्लाई होगा तो 8 4 टाइम 32, और 2 के ऊपर 4 अप्लाई होगा तो 16 आ गया, 1/16 u की पावर 32 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसका एक और सोल्यूशन आप ये कर सकते हो कि पहले पावर को अंदर मल्टीप्लाई करा दो देन सॉल्व कर दो, तो आप उस तरह भी कर सकते हो, दोनों तरह आप जा सकते हो, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिंप्लीफाई पे आप चेक कर सकते हो, सिंप्लीफाई प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन इस पर, ये देखिए ये भी किया हुआ है मैंने, कोई भी आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।